नमस्कार साथियों, अगस्त नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग 12 क्लास की नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके दो हैं, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये दो चैप्टर हैं, दोनों में से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको समझिए 12 क्लास के तीन चैप्टर हैं, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ। ये तीनों में से करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन नीट में भी आ जाते हैं, चाहे क्विट का एग्जाम हो उसमें भी आ जाते हैं और बोर्ड के भी एग्जाम में आते हैं। तो सरल है, थोड़ा लेंथी है और अगर साथ में फिगर के साथ में समझते चलेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन होता है। रटने का प्रयास मत कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन जो शब्द हैं वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यादें करना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी जो है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ द यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन बाय एन ऑर्गेनिज्म। और ह्यूमन आर सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बीबी पेरस, एक शब्द है बीबी पेरस। ह्यूमन क्या होता है? बीबी पेरस मतलब बेबी बॉर्न होती है। बेबी पेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यंग मॉस बॉर्न करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसको बीबी पेरस कहते हैं। एक शब्द और है यूनिसेक्चुअल, ये बाईसेक्चुअल एंड डायोसियस। ह्यूमन आर बीबी पेरस, बाइसेक्चुअल, डायोसियस। ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? बीबी पेरस, बच्चे होते हैं। दूसरा है बाइसेक्चुअल और यूनिसेक्चुअल, दो शब्द आते हैं। यूनिसेक्चुअल का मतलब क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो विभिन्न दो तरह के होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यूनिसेक्चुअल में एक ऑर्गेनिज्म में केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही पाया जाएगा, इसीलिए यूनिसेक्चुअल कहते हैं। और बाईसेक्चुअल का मतलब है कि जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएं एक ही नंबर में तो उसको बाईसेक्चुअल कहेंगे। तो ह्यूमन क्या होता है? यूनिसेक्चुअल है। तो ह्यूमन के केस में क्या हुआ? यूनिसेक्चुअल, डायोसियस एंड बीबी पेरस, बच्चे। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल आर अलग अलग होते हैं और यूनिसेक्चुअल का मतलब है कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन केवल एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। तो ह्यूमंस आर यूनिसेक्चुअल। बीबी पेरस का दूसरा एक शब्द होता है, उसको कहते हैं ओबी पेरस, एग लेइंग एनिमल्स। वर्ड्स रेप्टाइल्स जो होते हैं, एक जहाँ एक होता है वो चाहे फर्टिलाइजर के बाद हो या आउट ऑफ बॉडी फर्टिलाइजेशन हो, यानी वहाँ डेवलपमेंट जो होता है आउट ऑफ बॉडी होता है। और बीबी पेरस एनिमल्स के केस में वो डेवलपमेंट जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, यंग वंस पैदा होते हैं। तो ह्यूमन के केस में क्या है? बीबी पेरस, यूनिसेक्चुअल एंड डायोसियस। ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों दोनों अलग हैं और दोनों दो ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, सेपरेट एनिमल्स होते हैं, सेपरेट ऑर्गेनिज्म हैं। मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो ह्यूमन आर बीबी पेरस, यूनिसेक्चुअल एंड डायोसियस। अब देखते हैं हम आगे, देखिए अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, तो इसके चार पार्ट्स हैं। ध्यान से समझिएगा, चार पार्ट्स हैं। एक तो है पेयर्ड टेस्टी, दूसरा है एसेसरी डक्ट्स, तीसरा है एसेसरी ग्लैंड्स और फोर्थ है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देयर आर फोर कंपोनेंट्स। फर्स्ट है पेयर्ड टेस्टी, सेकेंड है एसेसरी डक्ट्स, थर्ड है एसेसरी ग्लैंड्स
एंड फोर्थ है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ये फोर पार्ट्स मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। अब देखेंगे हम एक अलग अलग का कैसे होता है। पेयर टेस्टी यहां पे होती है, रेटी टेस्टी कहते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या है रेटी टेस्टी। उसके बाद वास एसोसरी टेक्स्ट में क्या होता है, वास इफरेंसिया, इपीडिडिमिस, वास डिफरेंस, ये हमारे एसोसरी डक्ट्स हैं। एसोसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेस्किल्स एंड क्वाप्रेस या बल्बोरिथर ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस। अभी हम आपके डिटेल भरते हैं, लेकिन एक समरी हम लोग देख लें कि फोर कंपोनेंट्स, पेयर टेस्टी, पेयर टेस्टी में रेटी टेस्टी कहते हैं, एसोसरी डक्ट्स में वास इफरेंसिया, इपीडिडिमिस, वास डिफरेंस, एसेसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड वन होती है, सेमाइनल वेस्किल टू होती है, और क्वाप्रेस क्वापर्स ग्लैंड या इसको बल्बो एरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ये दो होती है, और एक होता है लास्ट में एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो पेनिस होता है। स्ट्रक्चर सिंपली हम देखेंगे, ये है, ये हमारा टेस्टी है और ये पेनिस है जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। टेस्टी पेयर है, दो कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी डक्ट्स हैं, इजेकुलेटरी डक्ट है, और इसके बाद वास डिफरेंस है, और इसके बाद वास इफरेंस है यहीं पे, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरिथ्रा है, ग्लॉन्स पेनिस है, उसके बाद सेमाइनल वेस्किल है, यूरिटर है। ये जनरल सा स्ट्रक्चर कौन कहाँ है, एब्डोमिन में होता है, ये पूरे पूरे मेल सेक्स ऑर्गन एब्डोमिन पोर्शन में होते हैं। ये हमारा उसका थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसको वन बाय वन, कि पहले पेयर टेस्टी पढ़ते हैं क्या होता है। पेयर टेस्टी के बारे में देखें, टेस्टी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टी क्या होती है, पेयर्ड होती है। ह्यूमन के केस में टेस्टी पेयर्ड होती है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, करता क्या है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बनाता है, और टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। इट मीन्स टेस्टी टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल, प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, पहली चीज। दूसरा चीज है, टेस्टी फॉर्म विद इन द एब्डोमेन सून आफ्टर बर्थ आर एट द 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, दे डिसेंट इनटू द स्क्रोटल सैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जानते हैं टेस्टी का जो डेवलपमेंट होता है वो मीजोडर्म से होता है, और एब्डोमिनल कैविटी में इसका डेवलपमेंट होता है। एब्डोमिनल कैविटी में जब डेवलपमेंट हो जाता है तो 8th माह में जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के 8th माह में यानी बर्थ के एक माह पहले या एट द सून ऑफ बर्थ, ये एब्डोमेन से जो टेस्टी होती है वो इंगुनल कैनाल के माध्यम से स्क्रोटम में आ जाती है, यानी आउट ऑफ बॉडी हो जाती है, शिफ्ट कर दी जाती है, डिसेंट हो जाती है। ध्यान से इसको समझिएगा, फिर एक चेंजेज होता है। टेस्टी एक्चुअली मीजोडर्मल वर्जन होती है, एब्डोमिनल कैविटी में बनती है। एब्डोमिनल कैविटी में जब बनती है तो 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी बर्थिंग के एक महीना पहले या जस्ट बर्थ के समय बच्चे के, ये एब्डोमिनल कैविटी से इंगुइनल कैनाल के माध्यम से स्क्रोटम में डिसेंट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। स्क्रोटम आउट ऑफ बॉडी, एक प्रकार का समझिए पॉकेट है, वहां पे टेस्टी आकर के, टेस्टी वहीं पे रहती है स्क्रोटम। और इसका क्या स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, लो टेम्परेचर 2 से 2.2, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस डाउन रखता है बॉडी के टेम्परेचर से, जिसके कारण स्क्रोटम में टेस्टी का फंक्शनिंग और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों फॉर्मल रूप से चलते हैं। यानी स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसके नाते स्पर्म सर्वाइव करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस
और टेस्टी का फंक्शनल प्रॉपरली ठीक से होता है। इसीलिए टेस्टी एब्डोमिनल कैविटी से स्कोटम में शिफ्ट हो जाती है आउट ऑफ बॉडी। तो स्कोटम का फंक्शन क्या है, बिकॉज इसका टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर होता है बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, जिसके नाते स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म प्रॉपर फंक्शन करते हैं। अगर बॉडी के टेम्परेचर रहेगा तो स्पर्म सर्वाइव नहीं करते हैं, इसलिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम जब रहता है तभी स्पर्म सर्वाइव करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। इसी के कारण टेस्टी को शरीर से बाहर स्कोटम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए टेस्टी जो है आउट ऑफ बॉडी स्कोटम में रहती है और पेयर में होती है। ये ह्यूमन की टेस्टी के बारे में है। ये आउट ले ऑफ अबाउट द टेस्टी ऑफ द ह्यूमन। नाउ वी टॉक अगेन, टेस्टीज आर पेयर्ड इन स्ट्रक्चर, नंबर वन। नंबर टू, इट डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम मेसोडर्मल लेयर टू। नंबर थ्री, एट द टाइम ऑफ बर्थ आर बिफोर बर्थ, बिफोर 1 month ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थिंग या बिफोर बर्थिंग 1 month, यानी जन्म से 1 माह पहले या एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टी इंगुनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में शिफ्ट कर दी जाती है। ये एक घटना होती है, समझिए टेस्टिस के बारे में। और स्क्रोटम में आउट ऑफ बॉडी इसलिए शिफ्ट कर दी जाती है क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 गुना कम होता है, जिसके नाते वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म जो है ठीक से सर्वाइव करते हैं। तो स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस जो क्रिया होती है वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा लो होती है, इसीलिए ये स्क्रोटम में टेस्टी शिफ्ट कर दी जाती है। दिस इज द अबाउट टेस्टी। देखेंगे ये हमारी टेस्टी है, ये यहां से शिफ्ट हुई इग्नोर कैलान से, यहां आउट ऑफ बॉडी शिफ्ट हुई टेस्टी। पहले कहां बनी थी, एब्डोमिनल कैविटी में, यहीं से इंगुनल कैनाल है, इंगुनल कैनाल, इंगुनल ये डीप इंगुनल रिंग है, ये आपका क्रोफोफोर बेसोफिसिस है, ये पोर्ट प्लूरिनियम है, यहां से देखेंगे हमारा ये इंगुनल कैलान से होती हुई शिफ्ट हो जाती है आउट ऑफ बॉडी। ये आप है एट द टाइम ऑफ बर्थ या बिफोर 1 month बर्थ। टेस्टी का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, टेस्टी का स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्या होती है टेस्टी का, देखें ईच टेस्टी ओवल शेप, नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट, शेप क्या होता है इसका ओवल, लेंथ क्या होती है इसकी 4.5 लेंथ होती है सीएम, एंड विड्थ क्या होती है इसकी 2.3, ये याद करना पड़ेगा। टेस्टी आर ओवल शेप, इसकी लेंथ क्या होती है 4.5 सीएम, एंड विड्थ क्या होती है 2.3 सीएम। ईच टेस्टी हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब आप देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, 250 टेस्टिकुलर लेबुल होते हैं और ईच लेबुल्स कंटेन्स 1 to 3 क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स लाई इंटरनली स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया आर मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। देखिए ध्यान से समझिए इसको, स्ट्रक्चर को इसको ठीक से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत यहीं से पैदा होते हैं। ये जो टेस्टी है इसकी लंबाई हो गई और गहराई हो गई, लेंथ एंड ब्रेथ होगी, और इसका ओवल शेप हो गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ईच टेस्टी जो बनी होती है वो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इसमें। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है ये देखें, यहां पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये देखें ये हमारी टेस्टी है
और ये आपके लोबूल्स बने हुए हैं, ये टेस्टिक अंदर अंदर से लोब्यूल्स में डिवाइड है 250, और एक टेस्टी में एक से लेकर के तीन तक सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल होते हैं, ये सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल यहां पे हैं। 250 लोब्यूल्स होते हैं, ये देखें सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल लिखा है, ये सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल है, और उसके बाद उसमें क्या होता है सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल में एक से लेकर के तीन तक सेमिनिफ्यूरस, एक से लेकर के तीन तक क्या होते हैं सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स, उसमें टेस्टिकुलर लोबूल्स, सॉरी टेस्टिकुलर लोबूल्स, टेस्टिकुलर लोबूल्स एंड सेमिनिफ्यूरल सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स। टेस्टिकुलर लोबूल्स मतलब एक टेस्टी को कई लूब में बांट दिया जाता है, लूब में, उसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोबूल्स। ये कितने होते हैं करीब 250, और एक लेबुल में कई सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स होते हैं। देखिए दो शब्द है टेस्टिकुलर लेबुल्स एंड सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स, वो लोबूल है ये ट्यूबुल है। और देखेंगे आप आगे क्या कह रहे हैं, सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होती हैं सर्टोली सेल्स जो सपोर्टिंग सेल हैं यानी न्यूट्रिशन का काम करती हैं, और उसके बाद उसमें जर्म सेल होती हैं। सर्टोली सेल्स गिव द शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल्स देखें इस तरह से स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे किसका, आपका एक ट्यूबुल का, तो देखें आउटर साइड में आपका ये स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया की लेयर है, ये हम आपके बता रहे हैं सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स का स्ट्रक्चर। सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक आउटर लेयर है, उसके अंदर एक स्पर्मेटोगोनियम है, सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनियम्स की, और इसी के अंदर सर्टोली सेल्स होती हैं, यानी सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स के अंदर की जो सेल्स होती हैं उसको क्या कहेंगे, स्पोरोगोनियम, और उसी बीच में सेल्स में सर्टोली सेल्स इधर उधर टहलती पड़ी रहती हैं, उसको हम सर्टोली सेल कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स में सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स का जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल का वो है स्पर्मेटोगोनियम, और सर्टोली सेल्स इसके अंदर होती हैं। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं से बनता, सर्टोली सेल्स यानी जो हमारा सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल है उसके अंदर सर्टोली सेल होती हैं, और उसकी जो सेल्स अंदर की होती है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम इसके कई नाम हैं, इसके तीन चार नाम हैं, आप समझ लीजिए, स्पर्मेटोगोनियम कहिए, स्पर्मेटोगोनियम एक नाम है, दूसरा नाम है इसको क्या कहेंगे, एक दूसरे नाम से बुकालते हैं इसको, स्पर्मेटोगोनिक सेल भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिक सेल। तीसरा नाम क्या है इसका, इसको जर्म सेल भी कहते हैं, तीसरा जर्म सेल। और क्या कहते हैं इसको, चौथा नाम स्पर्मेटोसाइट भी नाम है इसका, स्पर्मेटोसाइट। और क्या है नाम इसका, स्पर्म मदर सेल भी इसको कहते हैं। इतने नाम है इसको, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म मदर सेल, स्पर्मेटोगोनियम सेल,
या जर्म सेल, किसी भी नाम से कहेंगे। देखिए नाम जो है जरूर याद रखिए, सबको कभी कभी घुमा के दूसरा नाम पूछ देता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, आते हुए भी सवाल नहीं कर मिलता है। इसलिए ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर, उसके अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर सर्टोली सेल होती है और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जो लाइनिंग बनी होती है वो स्पर्मेटोगोनियम की बनी होती है, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उसको जर्म सेल भी कहते हैं, उसको स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं, उसको स्पर्मेटो सेल भी कहते हैं, उसको जर्म सेल भी कहते हैं, उसको स्पर्मदर सेल भी कहते हैं, उसको स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। यही जर्म सेल या स्पर्मेटोसाइट मियासिस होगी, आप थोड़ा सा समझ लें इसको, जब मियासिस होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंड मियासिस होगी तो सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंड स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिक बनाएगा, फिर यही स्पर्मेटिक स्पर्म बन जाएंगे। क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल का स्ट्रक्चर आपको मालूम हो गया और फंक्शन मालूम हो गया। अब आप देखें, जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे तब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये जानिए कि जो स्पर्मेटोगोनियम है उसकी सेल एक्टिव होती है, मेच्योर जब हो जाती है उसको हम स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम के सेल को चाहे स्पर्मेटोगोनियम सेल कहिए, चाहे स्पर्मेटोसाइट कहिए, चाहे स्पर्म मदर सेल कहिए, चाहे जर्म सेल कहिए, उसकी इंटरनल लाइनिंग को जो बनी होती है सेल्स की, इसी में से एक सेल्स मेच्योर होगी उसको स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। इसमें फर्स्ट मियासिस होगा यानी दो सेल बनेंगे, हेप्लॉयड, अभी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, इसमें जब मियोसिस फर्स्ट होगी तो दो स्पर्मेटोसाइट यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो बनेगी, हेप्लॉयड होगी, फिर इसमें सेकंड मियाटिक होगी तो ये चार हो जाएगी, इसको सेकंड स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, फिर ये चार स्पर्मेटोसाइट्स मेच्योर होकर के स्पर्मेटिस बनाएंगी चार संख्या में, यानी एक स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोसाइट चार स्पर्मेटिस बन रही है, और यही स्पर्मेटिस डेवलप करके स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। वही इसमें फंक्शन जरा दिखाया गया है, इसको हम डिटेल स्पर्मेटोजेनेसिस से पढ़ेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर में आप इतना पढ़िए कि टेस्टी जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, टेस्टिकुलर लेबुल से बनी होती है, 250 टेस्टिकुलर लेबुल्स होती हैं और एक टेस्टिकुलर लेबुल्स में 103 क्वाइल सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर स्पर्मेटोगोनिक सेल होती हैं या स्पर्मेटोगोनिया होती हैं या मेल जर्म सेल होती हैं, इसी के अंदर सर्टोली सेल भी होती हैं जो सपोर्टिंग करती हैं, न्यूट्रिशन का काम करती हैं, किसके स्पर्मेटोजोआ के, नरिशमेंट का काम करती हैं जब स्पर्मेटोगोनियम डेवलप करता है, स्पर्मेटोजोआ जब बनेगा तो उसके नरिशमेंट का काम करती हैं सर्टोली सेल। ये हो गया हमारा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का स्ट्रक्चर। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर देखिए क्या होता है, द रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इंटरस्टीशियल स्पेस होता है। उस इंटरस्टीशियल स्पेस में तीन चीजें होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के सेल के अंदर सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम सेल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर स्मॉल ब्लड सेल होंगी नंबर एक, नंबर दो इंटरस्टीशियल सेल होंगी या इसको लीटिक सेल भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एंड्रोजन हार्मोन सेक्रेट करता है। तीसरा इसमें होता है इम्यूनोग्लोबिकली कॉम्पिटेंट सेल, इसको तो अक्सर लोग भूल जाते हैं, इम्यूनोग्लोबिकली कॉम्पिटेंट सेल, तीन सेल होती है। एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि इंटरस्टीशियल सेल के बाहर कितनी सेल होती है, एक दो तीन संख्या दिया था, कितनी होती है, तीन सेल होती है, तीनों का नाम क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। दूसरा होता है इंटरस्टीशियल सेल या लीडिंग सेल कहते हैं, ये एंड्रोजन का हार्मोन का सेक्रेट करती है। तीसरा क्या होता है,
इम्यूनोग्लोबिकली कॉम्पिटेंट सेल, तीन सेल होती हैं ये याद रखिएगा, इसके बाहर और उसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम या जर्म सेल या स्पर्मेटोसाइट और सर्टोली सेल। ये आपके टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो गया। टेस्टी का स्ट्रक्चर इधर देखिए आप, स्पर्मेटोगोनियम का है, ये स्पर्मेटोगोआ है, ये स्पर्मेटो स्ट्रक्चर है आपका। एक तो आपका ये स्पोटिक स्ट्रक्चर है, ये आपका फुल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये आपका बाहर, ये आपका अंदर का ही इंटरस्टिटियल है, ये बाहर है। बाहर आप देखेंगे क्या है, इसको इंटरस्टिटियल स्पेस बोलेंगे। और यहां पे क्या है, इंटरस्टिटियल सेल देखिए, या इसको लीडिंग सेल भी कहेंगे। और उसके बाद यहां पे क्या है, ये कैपिलरी है जहां पे ब्लड वेसल्स हैं, दो हो गई, ब्लड वेसल हो गई, यानी कैपिलरी है यहाँ पे, ब्लड वेसल हो गई। उसके बाद इंटरस्टिशियल सेल लीडिंग सेल हो गई, देखिए ये लीडिंग सेल हो गई। और यहीं पर देखिए बीच बीच में यहाँ पे आपके इम्यूनोग्लोबुलिकली कॉम्पिटेंट सेल है जो इम्यूनिटी का काम करती हैं। कभी कभी इसमें टेस्टिस के अंदर जो पैथोजेंस आ जाते हैं या एंटीजेंस हो जाएंगे तो इसको डिसइंटीग्रेट कर देती हैं, इम्यूनिटी का काम करती हैं टेस्टी के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। ये बाहर है, इसके अंदर आप देखेंगे ये स्पर्मेटोगोनियम है और बीच बीच में आपकी सर्टोली सेल्स हैं और ये बीच में ल्यूमन है, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है तो यही स्पोरो स्पर्मेटोगोनियम या इसकी जर्म सेल, इसके तीन चार नाम हमने बताए, ये इसमें मियोसिस होगी और मियोसिस डिवीजन के बाद इसमें स्पर्मेटिस बनेंगे जो मेच्योर होकर के स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझ गए आप बड़ा। अब देखें आप दूसरा है एसेसरी डक्ट्स। पेयर टेस्टिस थी, पेयर टेस्टी का स्ट्रक्चर हो गया। फिर से एक बार हम आपको बता दें, टेस्टी फाउंड इन पेयर, स्क्रोटम आउट ऑफ बॉडी, टेम्परेचर 2 से 2.5 गुना कम। कारण क्या है समझ आ दिया गया। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये टेस्टिकुलर लेबूल से बनी होती हैं। कितनी, 250 टेस्टिकुलर लेबूल्स एक टेस्टी में होती हैं। एक टेस्टी की बात हो रही है, दो टेस्टी होती है ना हमारे यहाँ। और ईच टेस्टिकुलर लेबूल्स में सेमिनिफोरस टिबूल्स होते हैं, वो 1 से लेकर 3 होते हैं। सेमिनिफोरस टिबूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनियम या जर्म सेल कहिए या स्पर्म मदर सेल कहिए या स्पर्मेटोसाइट कहिए या स्पर्मेटोगोनिक सेल कहिए, इसके कई नाम हैं, ये पाई जाती है। और बीच बीच में सर्टोली सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, नरिशमेंट का काम करती हैं। सेमिफोरस टिबूल्स के बाहर 3 सेल होती हैं, उस 3 सेल का क्या नाम है, इंटरस्टिटियल सेल या लीटिंग सेल जो हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। दूसरा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल होती हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं बाहर, सेमिनिफोरस टिबूल्स के बाहर और सेमिनिफोरस टिबूल्स के अंदर। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए हम पढ़ते हैं दूसरा एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में है एक तो रेटी टेस्टिस कहते हैं जो इरेगुलर कैविटी इसकी होती है, इरेगुलर कैविटी। देखें इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर। इसको रेटी टेस्टिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इरेगुलर कैविटी होती है, इसी के नाते इसको टेस्टी ना करके रेटी टेस्टिस कहते हैं। व्हाट इज द, इसको कभी कभी जाता है कि इसको रेटी टेस्टिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर इरेगुलर कैविटी बनी होती है, इसको रेटी टेस्टिस कहते हैं। दूसरा इसको वास इफ्रेंसिया, यानी सीरीज ऑफ फाइन टिबूल्स। और उसके बाद इपिडिडिमिस, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स एंड टेम्पोरली। और उसके बाद वास डिफरेंस, ये हमारे हैं एसेसरी डक्ट्स, ये नाम है, इसको याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर देखें आप,
ये आपका आउटर टेस्टी है, दिस इज द आउटर टेस्टी, स्कोटम के अंदर टेस्टी है, स्कोटम यहां नहीं दिखाया गया, बाहर स्कोटम है उसके अंदर टेस्टी है, आउटर टेस्टी। उसके बाद देखिएगा आप, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, एक लेबुल है उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, ये लेबुल है इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल हैं, क्योंकि एक लेबुल्स के अंदर एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, समझिए क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये आपस में आकर के इंटीरियर पोर्शन पे यहाँ पे मिल करके टेस्टी रेटी टेस्टी बनाते हैं, ये आपस में मिल करके आकर के यहीं पर घूमचिया करके एक आपस में सब मिल जाते हैं, यहीं जितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल हैं सभी आकर के जगह लास्ट में आपस में एक जगह कंजक्ट हो जाते हैं, गुच्छे के रूप में हो जाते हैं, इसको इसीलिए ये जो होती है जो केविटी टाइप की हो जाती है इसको रेटी टेस्टी कहेंगे। ये रेटी टेस्टी फिर जो है छोटे 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 ट्यूब्स में बदल करके जाके ईपीडीडीस में खुलती है, इसको कहते हैं वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया जिसमें खुलती है उसको हम ईपीडीडीमिस कहते हैं, ईपीडीडीमिस जिसमें खुलती है उसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। ये देखें वास डिफरेंस है, क्रम से देखते जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, फिर ये रेटिस टेस्टिस, फिर ये वास इफरेंसिया, देन यहां से एपिडिडिमिस शुरू हो गई, एपिडिडिमिस आ गई, देन यहां जहां पर एपिडिडिमिस खुल रही उसको वास डिफरेंस बोल दिया, यहां से वास डिफरेंस शुरू हो गया। दिस इज द एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से चल रहा है, डक्ट्स यहां से शुरू हुई रेटी डक्ट्स, उसके बाद वास इफ्रेंसिया, देन इपीडिडमिस, देन वास डिफरेंस, ये हमारे एसेसरी डक्ट्स हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वास डिफरेंस ज्वाइंस विद द डक्ट ऑफ द सेमिनिफेरस वेसिकल्स टू फॉर्म कॉमन एजेक्टिकुलर डक्ट, कॉमन एजेक्टिकुलर डक्ट क्या कहते हैं, जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स वास डिफरेंस में आकर खुलती है ज्वाइंट होती है उसको हम इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये हमारा एसेसरी डक्ट्स है। थोड़ा सा और इसको हम, इसका कंडक्शन कैसे होता है, कैसे इसमें कंडक्शन मीन्स कैसे इसमें फ्लो होता है, उसका चैनल देख ले आप कैसे होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल से शुरू हुआ, ये दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ये रेटी डिस्टिस में आए, रेटी डिस्टिस से वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया से एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट, और कॉमन इजाकुलेटर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से यूरिथ्रल मीटस बाहर, ये इनका फ्लो होता है इजाकुलरी, ये आपका एसेसरी डक्ट का ये फ्लो होता है। बड़ा पूछा जाता है कि इसका क्या चैनल है, इस तरह से चैनल होते हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल शुरू हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहाँ था, टेस्टिकुलर लेबुल्स में था, सेमिनिफेरस ट्यूबुल मिलकर के क्या बनाया, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस आपस में नलिकाओं से जुड़ करके एपिडिडिमिस से जुड़े, एपिडिडिमिस वास डिफरेंस में खुल गया, वास डिफरेंस कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट में खुला, कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट जाकर के यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा से जाकर के यूरेथ्रा मीटस बाहर हो गए। ये इसका कॉमन, ये कंडक्शन ऑफ स्पर्म थ्रू एसेसरी डक्ट्स, ये स्पर्म का कंडक्शन है, फ्लो है। ये आप स्ट्रक्चर देखें, ये हमारा जो है वो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल्स, ये आकर के ये वास डिफरेंस है यहीं पे खुल रही है, इसी क्या कहते हैं कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट, देख रहे हैं कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट। डायग्राम के सहारे चलेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ये टेस्टिस है, टेस्टिस वाले माइन्यूट स्ट्रक्चर वहां आपने देख लिया, ये यहां से हमने शुरू किया, ये शुरू कहां से किया हमने, वास डिफरेंस से, वास डिफरेंस से शुरू किया, वास डिफरेंस से यहां से इसके ये पार्ट तो टेस्टिक अंदर है,
इपिडिडमिस वासफरेंसिया रेटिटेस्टिस सेमिनिफेरस, ये टेस्टी के अंदर है, टेस्टी से बाहर जैसे जाएंगे कहाँ से आएगा वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस शुरू हो गई। वास डिफरेंस आकर के आपस में जहाँ मिल रही है और यहीं पर सेमाइनर बेसिकल भी खुल रही है, सेमाइनर बेसिकल्स वास डिफरेंस में ओपन होती है, फिर वास डिफरेंस जो है आकर के यूरिथ्रा में खुलती है, इसी को कॉमन रेजिकुलरी डक्ट कहते हैं। और इसकी दोनों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे पेयर में बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड या कोपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ये होती है। फिर उसके बाद यहाँ से पेनिस स्टार्ट हो जाता है। ये आपका डायग्राम है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिफिकल है। यूरिथ्रा रिसीव द डक्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड पैसेज थ्रू पेनिस। ये कॉपर्स ग्लैंड और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों यूरिथ्रा में खुलती हैं। ध्यान से देखिएगा फिगर को, ये आपका। अब आ जाइए एसेसरी ग्लैंड्स में। एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल कितनी हैं? एक पेयर में होती हैं। दूसरा कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड है एसेसरी ग्लैंड्स में। तीसरा क्या है? एक पेयर ऑफ कोपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स। ये तीन होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड काम क्या है? ये सेमाइनल प्लाज्मा सेक्रेट करते हैं। तीनों ग्लैंड्स मिलाकर के क्या बनाएंगे? कलेक्टिवली सेक्रीशन इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं? नंबर एक होता है फ्रक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम्स, रिच फ्रक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम्स। एक सीमेनोजेलिन प्रोटीन्स भी इसमें होता है जो सीमेन को क्वागुलेट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीमेनोजेलिन प्रोटीन, ये कहाँ होता है? सेमाइनल प्लाज्मा में होता है। ये क्या करता है? क्वागुलेट का काम करता है। कभी कभी देखेंगे सीमेन जब बाहर निकलता है तो क्वागुलेट हो जाता है, जैसे ब्लड क्वागुलेशन होता है, इसी प्रोटीन के नाते सेमाइनोजेलिन प्रोटीन इसमें होती है, इसमें नहीं आया है। तो क्या क्या होता है इसमें? फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम्स होते हैं और ये प्रोटीन होता है सेमाइनोजेलिन। सेमाइनोजेलिन प्रोटीन क्या करता है? सीमन को बाहर आने पे जब टेम्परेचर से बाहर आता है बॉडी के टेम्परेचर से, तो इसको क्वागुलेट कर देता है, उसी तरह से जैसे ब्लड क्वागुलेट होता है। तो ये हमारा सेमाइनल प्लेजूल्स है। ये तीनों एसेसरी ग्लैंड्स मिलकर के सेमाइनल प्लाज्मा निकालती हैं। सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है? इसमें फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम्स एंड सेमाइनोजेलिन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है ये ग्लैंड्स। अब इस ग्लैंड्स को देखें आप, ये सेमाइनल वेसिकल्स हैं, एक पेयर है। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक पेयर है, एक होती है, संख्या में एक होती है, दोनों साइड में होती है। ये कोपर्स या बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स होती है, पेयर में होती हैं। यानी सेमाइनल वेसिकल पेयर में है, कोपर्स ग्लैंड पेयर में है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है। ये सब के सब मिलकर के सेमाइनल प्लाज्मा निकालती हैं। जो सेमाइनल प्लाज्मा जो है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमेन। सीमेन किससे बना होता है? सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म से मिलकर के सीमेन बना होता है। तो सेमाइनल प्लाज्मा कहां से आएगा? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स। बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इससे जो निकलता है सेक्रीशन, ये यूरिथ्रा के पैसेज को एल्कलाइन कर देता है। क्योंकि ये पैसेज जो है, यहीं से यूरिन भी आती है, यहीं से सीमेन भी आएगा। तो यूरिन के आते रास्ते में एसिडिटी हुई रहती है, तो स्पर्म को हार्म ना हो इसके नाते ये सीमेन जो कॉपरस ग्लैंड है, इसका जो फ्लूड निकलता है, जो सेक्रीशन आता है,
ये पैसेज को लुब्रिकेट करता है और इस रास्ते को एल्केलाइन करता है, एसिडिटी से फ्री करता है, जिससे स्पर्म का लास्ट नहीं होता है। ये कॉपर्स ग्लैंड काम क्या है, इसका फ्लूड यूरिथ्रा के पैसेज को एल्केलाइन करता है, एसिडिटी से एल्केलाइन कर देता है और लुब्रिकेट करता है, जिससे सीमेन जो है वो आसानी से फ्लो हो सके, बाहर निकल सके। ये हमारा जो है वो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट था एसेसरी ग्लैंड्स। ये तीनों एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हो गया। एंड लास्ट में देखें आप एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में फंक्शन क्या है सेमाइनर प्लाज्मा का, सेमाइनर प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, हेल्प ट्रांसपोर्टिंग ऑफ स्पर्म। सेकेंड है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म, प्रोवाइड्स एल्केलिनिटी टू कंट्रैक्ट एसिडिटी ऑफ यूट्रस, यूरिटस। सेक्रीशन ऑफ कॉपरस ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस, सेक्रीशन ऑफ ये हो, इसका क्या है सेमाइनर प्लाज्मा का फंक्शन है। दिस इज द फंक्शन ऑफ सेमाइनर प्लाज्मा। इपिडिडिमिस का एक दो काम और समझ लीजिए। इपिडिडिमिस जो होता है वो स्टोरेज का काम करता है, सेमाइनल ट्यूबुल्स के अंदर जो स्पर्म बनता है इपिडिडिमिस से कलेक्ट होता है, यानी इपिडिडिमिस स्टोर का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और मेच्योरिटी का काम करता है। स्पर्मेटोजोआ यहाँ मेच्योर भी हो जाते हैं, स्टोरेज भी होते हैं, प्रोटेक्शन भी होता है इपिडिडिमिस। और कॉपर्स ग्लैंड का मालूम हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का मालूम हो गया, सेमाइनल वेसिकल का मालूम हो गया। ये एसेसरी ग्लैंड थी और जो सेमाइनल प्लाज्मा का सेक्रीशन कर रहे हैं ये इसका फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हो गया, सेमाइनल प्लाज्मा का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे एक दो सवाल आते रहते हैं सेमाइनल इसका फंक्शन से। और देखिए इंक्रीज द मोटेलिटी, सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ाता है। सेमाइनोजेलिन प्रोटीन होता है इसमें, पहले हमने बता दिया। और ये जो है वो न्यूट्रलाइज एसिडिटी यूरिन, ये सीमन जब जाता है वेजाइना की यूरिनरी ट्रैक्ट में तो वहाँ के इन्वायरमेंट को एसिडिटी से एल्कलाइन बनाता है, जिससे स्पर्म को नुकसान न हो। ये फंक्शन है सेमाइनल प्लाज्मा के। सेक्रीशन ऑफ एपिडिडिमिस वाज डिफरेंस सेमाइनल विस्किस एंड प्रोस्टेट हेल्प फॉर न्यूट्रिशनल एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, यानी सेमाइनल प्लाज्मा जो है वो मेच्योरिटी और न्यूट्रिशन का काम करता है स्पर्म का। आगे देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस है। पेनिस का स्ट्रक्चर, इट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन नंबर वन, इट इज मेड ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है। व्हेन स्पॉन्जी टिश्यू फिल्ड विद द ब्लड पेनिस इरेक्ट, इट फैसिलिटेट्स इंसिमिनेशन। ये पेनिस है स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है, इसमें कार्पस स्पॉन्जियोसम और कार्पस कैवेनोसम, कार्पस कैवेनोसम एंड कार्बन कार्पस स्पिंजियोसम, दो तरह के इसमें टिश्यूज होते हैं। और पेनिस के लास्ट में जो है ग्लांस, इसको कहते हैं, फोर स्किन से कवर्ड होता है, इसको कहते हैं ग्लांस, यानी हेड ऑफ द पेनिस। इसमें फोर स्किन होता है, ग्लांस ऑफ द पेनिस यानी परप्यूस, इसको फोर स्किन कहते हैं। इंसिमिनेशन के समय इसके अंदर ब्लड फ्लो हो जाता है, जिससे इरेक्टाइल हो जाता है। ये हो गया हमारा, आप समझिए पेनिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फिर से एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फोर कंपोनेंट्स, पेयर्ड टेस्टिस, पेयर्ड टेस्टिस के बारे में क्लियर हो गया, इसको रेटी टेस्टिस भी कहते हैं। दूसरा है एसेसरी डक्ट्स,
वो आपके बारे में नाम हो गया, उसका फंक्शन हो गया, उसका फ्लो आप स्पर्म कंडक्शन कैसे हो रहा है। तीसरा आपका है एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमाइनल वेस्किल थी, प्रोस्टेट ग्लैंड थी, और उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स थी। सेमाइनल प्लाज्मा निकालती हैं, इसका वर्क, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस, ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया। इसके स्ट्रक्चर पोजीशन से, स्ट्रक्चरल, इसके स्ट्रक्चर से सवाल काफी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो सवाल, एक कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से बनता है, सेमाइनल प्लाज्मा से बनता है, उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड से बनता है, स्पर्म का जो एक्सेसरी डक्ट से फ्लो का पैसेज क्या है उससे बनता है, कॉपर्स ग्लैंड कहाँ होती है इससे बनता है। तो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, किससे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। आई होप कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो बार इसको देखेंगे, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, कहाँ हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन है। इसमें मेनली टेस्टिस यानी रेटी टेस्टिस का स्ट्रक्चर अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, 4-5-7 पॉइंट्स हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये 4 कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस। आई होप कि आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।